प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम सब अध्यात्म के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं तो दो चीज़ें हैं जो हम सबको करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। अब कोई खुश नसीब होते हैं उनकी फैमिलीज में, उनके माँ बाप, उनके दादा दादी, नाना नानी शायद किसी रास्ते पर हों जो उन्हें अपनी मंजिल तक पहुँचाए, तो बच्चों को वो रास्ता जल्दी से मिल जाता है। और कई ऐसे होते हैं जिनको बहुत समय लगता है रास्ता ढूंढते ढूंढते। कभी हम एक रास्ता ढूंढते हैं, सोचते हैं ये हमें मंजिल तक पहुँचाएगा, फिर लगता है कि शायद ये रास्ता मैं नहीं पहुँचा रहा, फिर हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, तीसरा ढूंढते हैं, फिर कर कर आकर उस रास्ते पर पहुंचते हैं जो हमें लगता है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। और जब हमें रास्ता सही मालूम हो जाता है, जो हमें पूरा यकीन होता है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, तो फिर हमें अभ्यास करना पड़ता है, उस रास्ते पर सही तरीके से चलना पड़ता है। और वो रास्ता हमें समझाता है कि सही मायनों में अगर हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें अपनी आत्मा को उभार देना होगा, आत्मा को अंदर की दुनिया में उड़ान देनी होगी। और वो प्रैक्टिस के साथ आता है। रोज़ाना बाकायदगी से जब हम अभ्यास करते हैं तो फिर हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से होनी शुरू हो जाती है। अगर दुनिया की ओर देखें तो जैसे बच्चे जब हाई स्कूल पास करते हैं तो जो कॉलेज जाने के लिए उन्हें सबसे पहले एप्लीकेशन भरनी पड़ती हैं, वो भी बहुत से कॉलेजेस को चेक करते हैं कि इस कॉलेज में कैसी चीज़ है, उसमें कैसी है, यहाँ कैसी पढ़ाई होगी, वहाँ कैसी होगी, जो फिर बच्चों को जो अच्छी लगती है वहाँ अप्लाई करते हैं। और जब उन्हें एडमिशन मिल जाती है किसी कॉलेज में जो कि उन्हें लगता है कि कॉलेज उनके लिए सही है, तो फिर उन्हें बाकायदगी से वहाँ कई सालों तक पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप हाई स्कूल के बाद कॉलेज में जा रहे हो तो बैचलर डिग्री लेने से पहले 4 साल और लग जाते हैं, जिसके ज़रिए कि वो फिर डिग्री लेने के लायक होते हैं। तो एडमिशन होना एक चीज़ है, फिर मेहनत करना दूसरी चीज़ है। ऐसे अध्यात्म के रास्ते पर जब हम रास्ता ढूंढ लेते हैं तो वो एक पहला कदम है। उसके बाद ये ज़रूरी है कि हम अभ्यास करें, और जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें समझाया जाता है कि शरीर को शांत करना है और मन को शांत करना है, कि अगर अपनी मंजिल तक पहुँचना है तो हमें प्रभु की ओर ध्यान देना होगा। और प्रभु की ओर ध्यान देने के लिए हमें सिमरन करने को कहा जाता है, कि हम प्रभु के नाम का जाप करें, प्रभु को याद करें, अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर रखें, ताकि हम उस अवस्था में अपने आप को करें जिस अवस्था को हम पाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं, तो हमें भी यही समझाया जाता है कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। प्रेम हमें मस्ती के आलम में लेके जाता है, और बार 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 हमें समझाया जाता है कि हम सब मस्ती के आलम में जा सकते हैं, उस आलम में जहाँ के हम बाहर की दुनिया से बेखबर हो जाएं, ये अवस्था हम सब पा सकते हैं। एक वाक्य एक संजी की ज़िंदगी का है। एक संजी थे जो कि प्रभु में लीन थे, प्रभु के प्रेम से वो भरपूर थे, और उनका ध्यान पिता परमेश्वर में ही लगा रहता था। तो एक उनका शिष्य था जो उनकी सेवा में रोज़ आया करता था। तो 20 सालों के लिए वो सेवादार उनके पास आया करता था सेवा करने के लिए, उनसे ज्ञान पाने के लिए।
तो हर रोज जब वो संत जी उसको सेवादार को मिलते थे तो पूछते थे, बेटा तुम्हारा नाम क्या? एक दिन पूछा, दूसरे दिन पूछा, हर रोज जब भी वो आता था उससे ये पूछते थे। तो दिल में वो सेवादार सोचना शुरू हो गया कि क्या मेरा मजाक कर रहे हैं भाई, हर रोज कैसे हो सकता है कि 20 साल हो गए हैं मैं रोज आता हूं इधर, मेरा नाम कैसे रोज भूल जाते हैं? तो क्या मेरा मजाक कर रहे हैं, मेरा नाम उनको अच्छा नहीं लगता? या अंदर डाउट्स इंसान के क्रिएट हो जाते हैं जब हमारे मुताबिक चीज ना हो। तो 20 साल के बाद एक दिन जब वो फिर आया तो उन्होंने फिर उससे कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बता के कहा कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कहा, हाँ बेटा करो मेरे से सवाल। तो उसने कहा कि मैं 20 साल से यहाँ रोजाना आता हूँ और हर रोज आप मुझे पूछते हो, बेटा तेरा नाम क्या है? तो क्या आपको मेरा नाम पसंद नहीं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि ऐसे कैसे होते थे 20 साल मैं रोज आपको मिलता हूँ और रोज आप मेरा नाम पूछते हो और अगले दिन फिर वैसे नाम पूछते हो, ऐसे कैसे हो ही नहीं सकता। तो हंसना शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रभु के नाम के साथ इतना जुड़ा हूं कि मेरे रग रग में प्रभु का नाम समाया हुआ है। तो जब भी कोई और नाम आता है तो मैं सुनता हूं, तो जैसे ही मैं सुन के खत्म करता हूं फिर हट जाता है, क्योंकि फिर प्रभु का नाम शुरू हो जाता है। तो उस अवस्था तक हम लोग पहुंच सकते हैं, ये बार बार वहां पर समझाते हैं। चंद्रपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अदर, कि जो एक इंसान करता है वो दूसरा भी कर सकता है। वो फरमाया करते थे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कि ये हम प्रैक्टिस करेंगे, रोजाना अभ्यास करेंगे तो हम भी उन बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं जहां के हर पल हर क्षण हमारे अंदर प्रभु के नाम हमारी रग रग में समाया हुआ हो। और जिसके अंदर पिता परमेश्वर का नाम समा गया वो फिर ये दुनिया की ऊंच नीच से ऊपर उड़ जाता है। हर एक इंसान की यही कोशिश होती है कि वो सुख चैन की जिंदगी जिए, कि उसको कोई तनाव ना हो, टेंशन ना हो, आराम से जिंदगी गुजारे। इसीलिए बहुत सी चीज़ों में अपना ध्यान देते हैं हम लोग। जैसे किसी को मूवीज अच्छी लगती हैं, हो सकता है मूवी देखेंगे तो ध्यान बाहर की चीज़ों से हटेगा, खुशी मिलेगी। कोई कोई टीवी शोज़ देखता है, आजकल तो और भी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। कोई स्पोर्ट्स खुद खेलते हैं, कुछ जो स्पोर्ट्स गेम होती हैं उनको देखते हैं। कुछ और लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि शायद अलग अलग जगह पर सैर करने जाएंगे तो हमें बड़ी खुशी मिलेगी, तो अपना समय उस ओर लगाते हैं। और बहुत से लोग हैं जो कि दुनिया की ऊंच नीच के साथ डील करने के लिए वो फिर शराब, ड्रग्स, इस जो हेलुसिनेटिंग ड्रग्स हैं, वो नशे की चीज़ें उस ओर जाते हैं, कि उन्हें लगता है कि जब वो करते हैं तो उस समय उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन जब ऐसी चीज़ों में इंसान पड़ जाता है तो वो देखता है कि उसका बैड इफेक्ट कितना होता है, तो खराबी उसकी ज़िंदगी में कितनी आती है। पहले तो अगर कोई तकलीफ हो और किसी ने कोई नशे की चीज़ें ली, तो जब वो नशे से वापस आते हैं बाहर तो वो तो है नहीं कि जो तकलीफ थी वो हट गई, वो वहाँ की वहीं होती है, वो फिर उसी नेगेटिविटी में, उसी डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं। बहुत से लोगों को आदत पड़ जाती है नशा करने की, फिर उसके बगैर वो जी नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब छोड़ते हैं तो शरीर में इतनी तकलीफ होती है उनको कि उनको लगता है कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और खराबी होती जाती। और उस लत को पूरा करने के लिए कई बार, क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज़ लेंगे पैसे तो चाहिए, तो फिर इंसान उल्टी सीधे तरीके से पैसों को इकट्ठा करना भी शुरू कर देता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जब वो नशे के होश में होते हैं तो वो किससे क्या खराबी कर देते उनको पता नहीं लगता। जैसे ड्राइविंग वाइल्ड ड्रिंकिंग, कि आपने नशा किया और आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप कहीं पर टक्कर मार देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या होगा। बहुत सी बार
कई ऐसे काम होते हैं जहाँ पे अटेंशन चाहिए काफ़ी, और अगर किसी ने नशा किया हुआ है और उस काम में लगा तो ज़रूर वहाँ खराबी कर देता है। तो बहुत सी खराबियाँ हमारी जिंदगी में बाहर की दुनिया के नशे से आती हैं। तो महापुरुष हमें बार 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 समझाते हैं कि हमें उस मदहोशी की ज़रूरत है जो इस खराबी के साथ ना हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ जिंदगी के हर एक पहलू के बारे में लिखा है, एक उन्होंने शेयर इसी चीज को समझाते हुए कि किस किस्म की मदहोशी हमें चाहिए। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़े प्यार से उसे समझाया है कि किस किस्म की हमारी जिंदगी होनी चाहिए, और अगर हमारी समझ सही हो गई तो किस किस्म का हमें नशा करना है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि निगाहे दोस्त ने बख्शी जो दिल को मदहोशी, कि निगाहे दोस्त ने बख्शी जो दिल को मदहोशी, शराबो जाम से हमको वो बेखुदी ना मिली, शराबो जाम से हमको वो बेखुदी ना मिली। सो संत दर्शन सिंह जी महाराज सेइंग, द लिरिकल ग्लांस ऑफ माय फ्रेंड बिस्टोर्ड ऑन माय हार्ट सच इंटॉक्सिकेटिंग ब्लिस दैट आई डिड नॉट रिसीव फ्रॉम एनी इंटॉक्सिकेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। सो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि निगाहे दोस्त ने बख्शी जो दिल को मदहोशी। तो फरमा रहे हैं कि जब हम प्रभु को पाने के रास्ते पर चलते हैं तो हम सब पिता परमेश्वर को मिलना चाहते हैं, उन्हें जानना चाहते हैं, उन्हें पहचानना चाहते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर के बारे में हमें बताए कौन। तो हम जब सर्च करते हैं, जब ढूंढते हैं, तो हमारी यही कोशिश होती है कि जिसे परफेक्ट लिविंग मास्टर कहा गया या जो पूर्ण महापुरुष हैं उनको हम ढूंढें। जब हम उनकी शरण में पहुंचते हैं तो वो हमें प्रभु के बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्त महापुरुष सबसे पहले प्रभु को बताते हैं कि वो हमारे मित्र हैं, उनसे नज़दीक कोई है नहीं, और फिर जो हमारे सदगुरु उनको भी दोस्त के लिहाज से समझाते हैं कि बाहर की दुनिया में वो हमारे मददगार हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि वो मदहोशी जो हमारे सदगुरु की नज़रे करम से हमको मिलती है, कि निगाहे दोस्त कि जो हमारे सदगुरु हैं, जो उनकी निगाहों से जो प्रभु के प्रेम की किरणें निकलती हैं, कि निगाहे दोस्त ने बख्शी जो दिल को मदहोशी, कि जब उनकी आंखों से प्रभु के प्रेम की किरणें हमारे तरफ आती हैं, जो वो बखेरते हैं, जो हमारे लिए वो भेजते हैं, जो हमारे को बख्शते हैं, तो क्या होता है कि हमारे दिल में प्रभु के लिए प्रेम जागना शुरू रहता है, हमारी आत्मा प्रभु के प्रेम से भर जाती है, और फिर हम प्रभु के प्रेम के रंग में रंगे जाते हैं। और जब हम प्रभु के प्रेम के रंग में रंगे जाएंगे तो फिर हम प्रभु के प्रेम की मस्ती में जीना शुरू कर देंगे, और जब हम प्रभु की मस्ती में जीते हैं तो फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें वहाँ से हटा सके। तो समझा रहे हैं कि वो मस्ती जो हमें मिलती है अपने सदगुरु के दर्शन करकर, उनके सत्संग में आकर, उनके आँखों से जो प्रभु के प्रेम की किरणें हमारी ओर आ रही हैं, जो रूहानियत का रास्ता वो हमारे लिए खोलते हैं, जो हमारी आत्मा में वो एक प्रभु के प्रेम को भर देते हैं, तो समझा रहे हैं कि जो उससे मस्ती मिलती है, अगली लाइन में समझा रहे कि शराबो जाम से हमको वो बेखुदी ना मिली, कि जो दुनिया के जितनी भी नशे की चीज़ें हैं उनसे वो नशा हमें कभी मिलता नहीं, क्योंकि जो दुनिया का नशा है वो टेम्पररी है। अगर कोई शराब पीता है, कोई ड्रग्स भी लेता है, कोई और हेलुसिनेटिंग और भी चीज़ें करता है, तो चंद क्षणों के लिए है, और जब क्षणों के लिए है तो उसके बाद वो हट जाती है, लेकिन वो
नशा, वो जो इंटॉक्सिकेशन, वो जो प्यार, वो जो सदा सदा का आनंद हमें अपने सद्गुरु के रूहानी किरणों के जरिए मिलता है, वो सदा सदा के लिए हमारे लिए रहता है। हिस्ट्री में देखें तो जो राजा बाबर था, उसने जब वो गुरु नानक देव जी महाराज को मिला तो उसने एक जाम का प्याला उनको पेश किया, तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया, वापस कर दिया और यही फरमाया कि मैं वो जाम नहीं पीता जो कि चंद क्षणों में उतर जाए, मैं तो प्रभु के प्रेम का जाम पीता हूँ जो सदा सदा के लिए टिका रहता है, जो कभी उतरता नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि वो जो नशा है, जो सदा सदा का नशा है, जो हमारा ध्यान प्रभु की ओर करता है, उस अवस्था में हमने जाना है और तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और वो जो प्रभु का प्रेम है जब हमारे रग रग में समाता है तो क्या करता है, वो जो प्रभु का शब्द हमारे अंदर चल रहा है उसके साथ वो हमें जोड़ देता है। प्रभु का शब्द हम सबके अंदर चल रहा है और 24 घंटे चलता है। अनफॉर्चुनेटली हमें उसके साथ जुड़ने का तरीका नहीं आता। वो शब्द भी हमारे अंदर चल रहा है, हमारा असली रूप, हमारी आत्मा भी हमारे अंदर है। और जब एक पूर्ण महापुरुष की संगत में हम जाते तो हमें समझाते हैं वो कि आत्मा हमारे अंदर है, परमात्मा का शब्द भी हमारे अंदर है, दोनों का मिलाप करना है और उस शब्द के साथ जुड़कर हम वापस अपने निर्धाम सचखंड तक पहुंच सकते हैं। तो वो शब्द हमारे अंदर चल रहा है, उसके साथ जुड़ने का तरीका वो हमें समझाते हैं, जैसे हम मेडिटेशन कहें या भजन अभ्यास कहें या ध्यान टिकाने का कहें, प्रेइंग विद अटेंशन कहें, अलग अलग नाम सिमिलर एक्टिविटी को दिए गए हैं। तो जब उनकी तवज्जो हमें मिलती है, जब उनका प्रेम हमें मिलता है, तो फिर हम अपने अंदर प्रभु का प्रेम अनुभव करते हुए प्रभु के शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। और जब प्रभु के शब्द के साथ जुड़ेंगे तो फिर हम एक और दुनिया में पहुंच जाते हैं, वो दुनिया जो प्रेम की दुनिया, वो दुनिया जो खूबसूरत दुनिया, वो दुनिया जो चेतन दुनिया, वो दुनिया जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, वो दुनिया जहाँ दुख दर्द है ही नहीं। और जितना ज़्यादा वहाँ पर जाएंगे उतना ही हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होगी। और जो अभ्यास करने का तरीका हमें बताया जाता है या मेडिटेशन करने का रास्ता दिखाया जाता है, वो इसीलिए दिखाया जाता है कि हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें। वो शब्द के दो हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड, कि हम अपने भीतर प्रभु की रोशनी का अनुभव करें ताकि अंधेरा दूर हो, प्रभु को ध्वनि को सुने ताकि उस शब्द के साथ जुड़कर हम हमारी आत्मा वापस अपने धाम सचखंड तक जा सके। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि बाहर की दुनिया का हम कुछ भी लें जो हमें लगता है हमें खुशी दे रहा है, वो चंद क्षणों के लिए है, उसके बाद जिंदगी वहाँ की वहीं रह जाती है। उससे हमको अपनी मंजिल तक पहुँच ले, हमने वो रास्ता अपनाना है जो हमारी मंजिल को हमारे सामने खोल दे ताकि हमारे कदम तेजी से हमें अपनी मंजिल की ओर लेकर जाए। और वो रास्ता प्रभु के प्रेम का रास्ता है, इसलिए हर एक धर्म ग्रंथ ही कहता है जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही अपनी मंजिल को पाया है, वही पिता परमेश्वर से लीन हो पाए हैं। और वो रास्ता आत्मा के उड़ान का रास्ता है, आत्मा का शब्द के साथ जुड़ने का रास्ता है, और उसी को भजन अभ्यास करना कहते हैं, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। और जब हम उस रास्ते पर चलेंगे और रोज़ाना बाकायदगी से करेंगे, रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे, तो जो हमारा कनेक्शन है पिता परमेश्वर के साथ वो और गाढ़ा होगा और गाढ़ा होगा और गाढ़ा होगा। और इसीलिए रास्ता ढूंढना ज़रूरी है लेकिन उसके बाद उस पर चलना भी बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, तो हम फिर उस मदहोशी की अवस्था में होंगे। जो हमारा जो रास्ता है संत दर्शन सिंह जी महाराज ने और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें दिखाए थे,
दर्शन सिंह जी महाराज पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता बताते थे। तो कह रहे थे हमने दुनिया में रहना है तो हमने मदहोशी के आलम में होना है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना नहीं। इसलिए वो फरमाया करते हैं अगर हमें कोई मिलता है जो जो प्रभु से जुड़ा हुआ है और अगर हम उसे सवाल करें और वो जवाब ना दे तो हमें उस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि इस इंसान का ध्यान इधर बाहर है नहीं। अगर कोई आता है सत्संग में, लोग अपने जोड़े या शूज उतार कर आते हैं तो वापस जाते हैं, किसी और का शू कोई पहन के चल जाता है, तो वी शुड नॉट बी अपसेट, क्योंकि अगर उस इंसान का ध्यान पिता परमेश्वर में है तो हमें खुशी होनी चाहिए कि किसी का तो ध्यान पिता परमेश्वर में है। बहुत सी बार ऐसे लोग जब जब दुनिया की चीज़ों में लगे होते हैं तो बाकियों को लगता है शायद इनको समझ नहीं है, लेकिन वही हैं जो कि असलियत को पा रहे हैं। और ऐसे समय भी हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए जबकि अपनी रिस्पॉन्सिबल को हमने निभाना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो जो दिन का 2.5 घंटे का समय है, 10वां हिस्सा, वो तो हम देना रूहानियत के लिए। अगर हम 2400 घंटे नहीं उस अवस्था में होते, कम से कम 2.5 घंटे तो हम अवस्था में हों, क्योंकि जितनी देर उस अवस्था में उसका असर होगा कि बाकी का समय जो हमारा जा रहा है वो भी प्यार से गुजरेगा, आराम से गुजरेगा। हमारी अटेंशन पिता परमेश्वर की ओर होगी, जैसे कि हम दुनिया के काम कर रहे हैं। हमने दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है, उनसे अलग नहीं जाना, लेकिन ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए। इसीलिए हमें समझाया गया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो 2.5 घंटे के करीब है, वो अभ्यास के लिए दें ताकि जितनी तरक्की हमारी आत्मा को चाहिए उतनी कम से कम तरक्की हो। जो भाई बहन उसे ज़्यादा समय दे सकते हैं वो और भी बेहतर है। जैसे जैसे हम रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं, जैसे हमारे पास ज़्यादा समय है, तो हम जितना ज़्यादा समय पिता परमेश्वर की याद में देंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, उतना ही हम देखेंगे कि हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पा रहे हैं। तो बार 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 महापुरुष यही समझाते हैं कि वो मस्ती का आलम अंदर की दुनिया से मिलता है, वो मस्ती का आलम प्रभु के प्रेम पाने से मिलते हैं। प्रभु का प्रेम बाहर नहीं, हम सबके भीतर चल रहा है। तो इसीलिए अभ्यास करने को कहा जाता है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आईबॉल्स आंखों को डलें सीधे सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हों। और आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आपसे मन कीजिएगा, जो भाई बहन नए हैं वो आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊँचा नहीं दोहराना। आपका ध्यान सामने होना चाहिए ताकि आपके सामने जैसे जैसे आपका ध्यान टिकेगा वैसे वैसे आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और बहुत से नज़ारे आपको और भी देखने को मिलेंगे। पूरा ध्यान बीच में रखिएगा और जो जो आपके लिए बेहतर है वही आपके सामने खुलता चला जाएगा। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में ढले, हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और हम अंदर की दुनिया का रस पाते हुए बाहर की दुनिया को सहन करके अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाए। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज लिव ऑफ।
जल थल मैया